हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कांग्रेस ने आज तक के शो दंगल का किया बहिष्कार, कहा इसका एंकर रोहित सरदाना मोदी भक्ति में लीन है। कांग्रेस ने आज तक के शो दंगल का बहिष्कार करने का फैसला किया है। इसके पीछे कांग्रेस ने वजह शो के एंकर रोहित सरदाना को आपत्तिजनक रवैया बताया है। कांग्रेस का कहना है कि एंकर शो के दौरान बीजेपी और उसकी विचारधारा का पक्ष लेकर कांग्रेस प्रवक्ता उसे बुरी तरह पेश आते हैं। कांग्रेस ने अपने आरोपों को साबित करने के लिए रोहित सरदाना के 30 जून और 13 अगस्त के शो का जिक्र किया है। 30 जून के शो में कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने हिस्सा लिया था और 13 अगस्त को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा शो में शामिल हुए थे। दोनों ही तारीखों में रोहित सरदाना के शो में मुद्दा असम एनआरसी था। इन दोनों ही शो में देखा जा सकता है कि सरदाना ने किस तरह से कांग्रेस प्रवक्ताओं को बोलने नहीं दिया और उन पर आरोप की बौछार करते रहे। शो के दौरान वो सत्ताधारी दल में सवाल पूछने के बजाय लगातार कांग्रेस प्रवक्ताओं पर सवाल दागते रहे और जवाब के वक्त खुद ही बोलते नजर आए। दोनों ही शो में सरदाना बात बात पर कांग्रेस प्रवक्ताओं पर भड़कते दिखाए गए। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने न्यूज पोर्टल जनता का रिपोर्टर को बताया कि पार्टी ने सरदाना के शो को यह पता लगाने के लिए देखा कि वो प्रवक्ताओं से किस तरह पेश आते हैं। पार्टी ने पाया कि 30 जुलाई के शो में सरदाना ने प्रियंका चतुर्वेदी से दुर्व्यवहार किया। गौरतलब है कि 30 जून का ये वही शो है जिसमें प्रियंका चतुर्वेदी ने रोहित सरदाना के आपत्तिजनक रवैये से परेशान होकर कह दिया था कि उन्होंने जी न्यूज में उन्हीं की वजह से जाना छोड़ दिया था। सरदाना को बीजेपी आरएसएस के समर्थक के रूप में जाना जाता है। वह अक्सर अपने प्रोग्राम्स में बीजेपी का गुणगान और विपक्ष को घेरते नजर आते हैं। आरोपी बीजेपी सांसद के केस की सुनवाई कर रहे जज को जान का खतरा, मांगी सुरक्षा। गुजरात में आरटीआई कार्यकर्ता अमित जेठवा की मौत पर सुनवाई कर रहे सीबीआई के विशेष जज केएम दवे ने सुरक्षा की मांग की है। खौफ का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि इस मामले में बीजेपी के एक पूर्व सांसद भी आरोपी है, इसलिए इस मामले की गंभीरता को देखते हुए दवे ने सुरक्षा की मांग की है। हालांकि जज दवे ने कहा कि ये अभी प्रक्रिया में है, मैं इस बारे में कुछ कहना ठीक नहीं समझता हूँ। दरअसल इस मामले में मुख्य आरोपी बीजेपी के जूनागढ़ से पूर्व सांसद दीनू बोघा सोलंकी है और वो फिलहाल जमानत पर है। जज दवे को खुद की और अपने परिवार की जान की फिक्र हो रही है, इसलिए वो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। जज ने सीबीआई का पत्र लिखकर कहा है कि क्योंकि ये मामला आरटीआई एक्टिविस्ट अमित जेठवा की हत्या का मामला बेहद संवेदनशील है, इसलिए उन्हें सुरक्षा उनकी आवास पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर उन्हें पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाए। इस मामले पर केंद्र सरकार को सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करनी है और साथ ही आईबी को इस पर अपनी रिपोर्ट पेश भी करनी होगी। बता दें कि इस मामले में गवाह रहे 195 में से 105 लोग अपने बयान से मुकर चुके हैं, जिसके बाद इस मामले को हाईकोर्ट ने पहले के विशेष जज दिनेश पाटिल को हटाकर नए सिरे से मुकदमा चलाने का निर्देश दिया है। योगी का राम राज्य बना महिलाओं के लिए गुंडा राज। सपा के मुकाबले बीजेपी शासन में 31% बढ़े मामले। योगी राज में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध की खबरें लगातार सुर्खियां बना रही है। आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले एक साल में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। एबीपी न्यूज के खबर के मुताबिक यूपी में साल 2017 से 18 में अपराध के आंकड़े 13,000 के आंकड़े को पार करते दिखे, जबकि साल 2016 से 17 में ये आंकड़े 10,219 पर थे। एडीआर रिपोर्ट के अनुसार अपराधियों को नेता बनाने में बीजेपी ने फिर मारी बाजी। देश में 64 नेताओं पर दर्ज अपहरण के मामले, भाजपा में सबसे ज्यादा। रिपोर्ट के अनुसार योगीराज में अप्रैल 2017 से जनवरी 2018 तक महिलाओं के खिलाफ कुल 13,392 अपराध हुए हैं, जिसमें छेड़खानी 40%, बलात्कार 12% और अपहरण 43% है। ये आंकड़े अखिलेश की सरकार में इससे कम थे। अप्रैल 2016 से जनवरी 2017 तक 10,219 मामले दर्ज हुए थे, जिससे 29% छेड़खानी, 10% बलात्कार और 32% अपहरण के मामले थे। जनवरी से मार्च तक के आंकड़ों का मिलान किया जाए तो भी ऐसी ही तस्वीर दिखाई देती है।
टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार पिछले एक साल में महिलाओं के खिलाफ अपराध 24% बढ़े हैं। उत्तर प्रदेश में हर रोज बलात्कार के 8 मामले सामने आते हैं और 100 से ज्यादा अन्य मामले दर्ज होते हैं। सीएम योगी ने महिला अपराध में उत्तम बनाया उत्तर प्रदेश। 7 महीने में 4000 बलात्कार, 13392 उत्पीड़न के केस दर्ज। इन आंकड़ों से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि योगी राज में महिलाओं की सुरक्षा के कितने कड़े इंतजाम हैं और अपराधियों पर सरकार का कितना खौफ है। लखनऊ में बीजेपी विधायक की गुंडागर्दी, मोस्ट वांटेड को बचाने के लिए चौकी प्रभारी से की मारपीट। योगीराज में बीजेपी नेताओं की गुंडागर्दी से न सिर्फ आम आदमी परेशान है बल्कि पुलिस वालों के काम में भी बाधा पहुंचाई जा रही है। ताजा मामला लखनऊ का है जहां एक मोस्ट वांटेड गुंडे को पकड़ने के लिए की गई पुलिस के साथ बीजेपी विधायक ने मारपीट की। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन के बाद उनकी कलश यात्रा में शामिल हुए बीजेपी विधायक अविनाश त्रिवेदी का काफिला घर के लिए रवाना हुआ। कार्यक्रम स्थल से कुछ ही दूरी पर जाने पर एलयू चौकी इंचार्ज अभय सिंह ने काफिला रोककर उसमें शामिल प्रशांत मिश्रा को पकड़ने की कोशिश की, क्योंकि कुछ दिन पहले एलयू के मामले में वो नामजद है और फरार चल रहा था। प्रशांत मिश्रा के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया जा चुका है। प्रशांत को पकड़ने की कोशिश में लगी पुलिस के खिलाफ विधायक और उनके कार्यकर्ता उग्र हो गए और मारपीट शुरू कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां पर सीईओ और इंस्पेक्टर हसनगंज मौजूद थे लेकिन बीच बचाव के लिए आगे नहीं आए। विधायक की गुंडागर्दी के सामने वो तमाशबीन बनकर खड़े रहे और अब जब मीडिया की वजह से मामले ने तूल पकड़ लिया तो अधिकारी अपनी जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं। मोदी सरकार ने सेल, आईओसी, बीएसएनएल में 55,000 नौकरियां घटाई, अब आप फुर्सत से हिंदू मुस्लिम कर सकोगे, कहते हैं रवीश कुमार। आज की राजनीति नौजवानों आपको चुपके से एक नारा थमा रही है, तुम हमें वोट दो हम तुम्हें हिंदू मुस्लिम डिबेट देंगे। इस डिबेट में तुम्हारे जीवन के 10-20 साल टीवी के सामने और चाय की दुकानों पर आराम से कट जाएंगे। न नौकरी की जरूरत होगी, न दफ्तर जाने में एडी में दर्द होगा। कई बार गोदी मीडिया के अखबार और चैनल देखने से लगता है कि इस दौर में मुसलमानों से नफरत करना ही रोजगार है। मंत्री और नेता नौजवानों के सामने नहीं आते, आते भी है तो किसी महान व्यक्ति की महानता का गुणगान करते हुए आते हैं, ताकि देश प्रेम की आड़ में देश का नौजवान अपनी भूख के बारे में बात न करे। यही इस दौर की खूबसूरत सच्चाई है। बेरोजगार रोजगार नहीं मांग रहा है, वो इतिहास का हिसाब कर रहा है। उसे नौकरी नहीं झूठा दिलासा चाहिए, इतिहास चाहिए। क्या आपको पता है कि 2014-15 और 2015-16 के साल में प्राइवेट और सरकारी कंपनियों ने कितनी नौकरियां कम की है? सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को मैं सरकारी ही कहता हूँ। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के निर्देशक महेश व्यास हर मंगलवार को बिजनेस स्टैंडर्ड में रोजगार को लेकर लेख लिखते हैं। हिंदी के अखबारों में ऐसे लेख नहीं मिलेंगे, वहां आपको सिर्फ घटिया पत्रकारों के नेताओं के संस्मरण ही मिलेंगे। बहरहाल महेश व्यास ने जो लिखा है वो मैं आपके लिए हिंदी में पेश कर रहा हूँ। 2014-15 में 8 ऐसी कंपनियां हैं जिनमें से हर किसी ने औसत 10,000 लोगों को काम से निकाला है। इसमें प्राइवेट कंपनियां भी है और सरकारी भी। वेदांता ने 49,741 लोगों को छटनी की है। फ्यूचर एंटरप्राइज ने 10,539 लोगों को कम किया। फोर्टिस हेल्थकेयर ने 18,000 लोगों को कम किया है। टेक महिंद्रा ने 10,470 कर्मचारी कम किए हैं। सेल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, इसने 30,413 लोगों की कमी की है। बीएसएनएल 12,765 लोगों को काम से निकाला है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 11,924 लोगों को घटाया है। सिर्फ 3 सरकारी कंपनियों ने करीब 55,000 नौकरियां कम की है। क्या प्रधानमंत्री ने इसका डेटा दिया था लोकसभा में? क्या आपने मांगा था? 2015-16 में लार्सन एंड ट्रूब्रो यानी एलएनटी ने 1,11,020 नौकरियां कम कर दी। फ्यूचर एंटरप्राइज ने 23,449 लोगों को निकाल दिया। इस साल ने सेल ने 18,603 लोगों को निकाला या नौकरियां कम कर दी। इसके बाद भी इस साल रोजगार वृद्धि की दर 0.4% रही। जरा पता कीजिए फ्यूचर एंटरप्राइज किसकी कंपनी है जिसने 2 साल में 34,000 लोगों को निकाला है या घटाया है, सर्च कीजिए तो। 2016-17 में कॉरपोरेट सेक्टर में नौकरियों की हालत सुधारी है, रोजगार में वृद्धि की दर 2.7% रही है। पिछले कई सालों की तुलना में ये अच्छा संकेत है।
मगर 4% रोजगार वृद्धि के सामने मामूली है। महेश व्यास बताते हैं कि 2003 से 4, 2004-05 में रोजगार की वृद्धि काफी खराब थी, लेकिन इसके बाद 2011-12 तक 4% की दर से बढ़ती है, जो काफी अच्छी मानी जाती है। 2012-13 से इसमें गिरावट आने लगती है। इस साल 4% से गिरकर 0.9% पर आ जाती है। 2013-14 में 3.3% हो जाती है, मगर 2014-15 में फिर तेजी से गिरावट आती है। 2015-16, 2016-17 में भी गिरावट बरकरार रहती है। इन वर्षों में रोजगार वृद्धि का औसत मात्र 0.75% रहा है। 2015-16 में तो रोजगार वृद्धि की दर 0.4% थी। महेश व्यास रोजगार के आंकड़ों पर लगातार लिखते रहते हैं। इस बार लिखा है कि भारतीय कंपनियां बहुत सारा डेटा छुपाती है, जरूरत है वे और भी जानकारी दे। व्यास लिखते हैं कि हम कंपनियों को मजबूर करने में नाकाम रहे हैं कि वे रोजगार के सही आंकड़े दें। कानून है कि कंपनियां स्थायी और अस्थायी किस्म के अलग अलग रोजगार के आंकड़े दिया करेगी। महेश व्यास की संस्था CMI 3,441 कंपनियों के डेटा का अध्ययन करती है। 2016-17 के लिए उसके पास 3,000 से अधिक कंपनियों का डेटा है, जबकि 2013-14 में उनके पास 1,443 कंपनियों का ही डेटा था। 2016-17 में 3,441 कंपनियों ने 84 लाख रोजगार देने का डेटा दिया है। 2013-14 में 1,443 कंपनियों ने 67 लाख रोजगार देने का डेटा दिया था। इस हिसाब से देखें तो कंपनियों की संख्या डबल से ज्यादा होने के बाद भी रोजगार में खास वृद्धि नहीं होती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO का नया आंकड़ा आया है। पिछले साल सितंबर से इस साल मई के बीच कितने कर्मचारी इससे जुड़े हैं, इसकी समीक्षा की गई है। पहले अनुमान बताया गया था कि इस दौरान 45 लाख कर्मचारी जुड़े। समीक्षा के बाद इसमें 12.4% की कमी आ गई है, यानी अब ये संख्या 49 लाख हो गई है। EPFO के आंकड़े घटते बढ़ते जा रहे हैं। कारण बताया गया है कि कंपनियां अपना रिटर्न लेट फाइल करती है, जो कर्मचारी निकाले जाते हैं या छोड़ जाते हैं उनकी सूचना भी देर से देती है। सितंबर 2017 से लेकर मई 2018 के हर महीने के EPFO पेरोल की समीक्षा की गई है। किसी महीने में 5% की कमी आई है तो किसी महीने में 27% की। इस साल में मई में 10% की कमी है, जबकि उसके अगले महीने जून में 24% की वृद्धि हुई है। कुल मिलाकर नई समीक्षा के अनुसार 9 महीनों में EPFO से जुड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या करीब 49 लाख के आसपास हो जाती है। इसी संदर्भ में आप मेरा 2 अगस्त 2018 का लेख पढ़ सकते हैं, जो मैंने कई लेखों को पढ़कर हिंदी में लिखा था। मेरे ब्लॉग कस्बा पर है और फेसबुक पेज पर भी है। उसका एक हिस्सा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आपको पता चलेगा कि कैसे प्रधानमंत्री इधर उधर की बातें कर ऐसी कहानी सुना गए, जो खुद बताती है कि नौकरी है नहीं, नौकरी की झूठी कहानी जरूर है। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देते हुए रोजगार के कई आंकड़े दिए थे। आप उस भाषण को फिर से सुनिए। जैसे रोजगार को लेकर शोध करने और लगातार लिखने वाले महेश व्यास ने 24 जुलाई के बिजनेस स्टैंडर्ड में उनके भाषण की आलोचना पेश की है। प्रधानमंत्री आंकड़े दे रहे हैं कि सितंबर 2017 से मई 2018 के बीच भविष्य निधि कोष से 45 लाख लोग जुड़े हैं। इसी दौरान नेशनल पेंशन स्कीम में करीब 5.5 लाख लोग जुड़े हैं। अब महेश व्यास कहते हैं कि ये संख्या होती है 50 लाख, मगर प्रधानमंत्री आसानी से 70 लाख कर देते हैं। राउंड फिगर के चक्कर में 20 लाख बढ़ा देते हैं। 50 से 70 लाख करने का जादू हमारे प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं, इसलिए वे ईमेल से इंटरव्यू देते हैं, ताकि एंकर भी बदनाम ना हो कि उसने नौकरी को लेकर सही सवाल नहीं किया। प्रधानमंत्री ने हाल में ईमेल से इंटरव्यू देकर गोदी मीडिया के एंकरों को बदनाम होने से बचा लिया। मीडिया की साख गिरती है तो उसकी आंच उन पर भी आ जाती है। इसलिए कहता हूँ कि आप पाठक और दर्शक के रूप में अपना व्यवहार बदले, थोड़ा सख्त रहे, देखे कि कहाँ सवाल उठ रहे हैं और कहाँ नहीं। सवालों से ही तथ्यों के बाहर आने का रास्ता खुलता है। हिंदी के अखबार आपको कूड़ा परोस रहे हैं और आपकी जवानी के अरमानों को कूड़े से ढांप रहे हैं। अखबार खरीद लेने और खोलकर पढ़ लेने से पाठक नहीं हो जाते। गोदी मीडिया के दौर पर हेरा फेरी को पकड़ना भी आपका ही काम है, वरना आप अंधेरे में बस जयकारे लगाने वाले हरकारी बन दिए जाएंगे। मैंने 20 साल के पाठकीय जीवन में यही जाना है कि चैनल तो कूड़ो हो ही गया है, हिंदी के अखबार भी रद्दी है। रिपोर्ट।
थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।